टेक्नो फंडा एनालिसिस करने का एक बेनिफिट ये होता है कि हम उसमें टेक्निकल भी देख लेते हैं, हम उसमें फंडामेंटल भी देख लेते हैं कि यार टेक्निकल वाली साइड क्या चल रहा है और फंडामेंटल में क्या चल रहा है। मतलब ये मूव तो आया, कोई भी स्टॉक हो उसमें मूव आया, बट क्या फंडामेंटल भी उसका साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे। नॉलेज पर्पज से ऐसे समझते हैं, कोई स्टॉक है जिसमें एक मूव आया 15% ऊपर, 20% ऊपर, सर्किट लग गया, फिर अगले दिन भी मान लेते और 15% ऊपर आया, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स उसके बेकार है, तो वहां पर बाय करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? एक दिन स्पाइक आएगा, दो दिन न्यूज आ जाएगी, तीसरे दिन वापस से टंबल डाउन हो जाएगा। टेक्नो फंडा एनालिसिस मैं हमेशा इसलिए देखता हूं कि यार क्या टेक्निकल के साथ फंडामेंटल की गाड़ी भी बिल्कुल मेल खा रही है या नहीं खा रही है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लास्ट वीक जब हम लोग मिले थे तब मैंने एक बढ़िया सा स्टॉक दिया था आपको, अडोर वेल्डिंग। अडोर वेल्डिंग में हम लोगों ने टेक्नो फंडा एनालिसिस करे थे, वहां पर हमें क्या मैसिव रिटर्न्स मिले। आज इसी तरीके से इस वीडियो में भी एक और बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस देखने वाले हैं। पहले देखेंगे कि मैंने स्टॉक पिक क्यों किया। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूं कि मैं कभी भी कोई भी स्टॉक डाल रहा हूं, आप चाहे 1 मिनट शॉर्ट देखो या मेरी मंथली सीरीज देखो जब हम मंथली स्टार्टिंग में डालते हैं, या कोई सेक्टोरियल एनालिसिस जैसे हमने होटल स्टॉक्स डाले, या फिर फॉर एग्जांपल हम लाइव सेशन में भी जाते हैं, तब मैं हमेशा ये ट्राई करता हूं कि मैं लेवल्स तो दू ही दू, उसके साथ नॉलेज भी शेयर होनी चाहिए कि मैं ये स्टॉक पिक क्यों कर रहा हूं, वो मेरा मेन मोटो रहता है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं आज ऐसा स्टॉक जिसके टेक्निकल तो अच्छे ही लग रहे हैं, क्यों पिक किया, लेवल्स क्या है और फंडामेंटल की साइड से क्या जाने वाले हैं। डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूंगा, फॉर एग्जांपल वीडियोस हो गए जहां पर मैंने 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स डाले थे, उसके पहले मैंने होटल के स्टॉक्स डाले थे, डिविडेंड पेइंग वाले स्टॉक्स डाले थे, मैंने ये वीडियो भी डाला था कि ऑप्शन बायर्स को मैसिव लॉस हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो जरूर देख लेना, कोई और वीडियो देखो ना देखो। फिर फॉर एग्जांपल शॉर्ट्स वगैरह हो गए, जब हम लोग शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं जहां पर हम लोग 1 मिनट शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं, जहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने ये स्टॉक क्यों पिक किया। आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है एचजी इंफ्रा। अब एचजी इंफ्रा में डेफिनेटली ये देखकर एक अच्छी चीज लग रही होगी कि हाँ एक काइंड ऑफ अ फ्लैग ब्रेकआउट आ रहा है, ये काइंड ऑफ एक हायर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लो बनाने का ट्राई कर रहा है लग रहा है, राइट। एक काइंड ऑफ प्रीवियस इसकी जो एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर यहां पर इसने क्लोजिंग भी दे दिया, अच्छा लग रहा है। बट सिर्फ इस रेजिस्टेंस की बात नहीं है, मैं हमेशा स्टॉक ट्राई करता हूं एक अच्छा स्टॉक पिक किया जाए, तो अगर इसका वीकली चार्ट देखते हैं, हाँ बोलो, ये देखो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी सितंबर के आसपास की, सितंबर 2021 के आसपास की, ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास के बाद जाकर ये रिबाउंड हुआ, इस कंसोलिडेशन से बाहर निकला, तब जाके ऊपर जा रहा है। अब एक चीज क्या है कि यहां पर अगर मैं देखूं एक रैली ऑलरेडी आ चुकी, ये ऑलमोस्ट 520 के लेवल से 800 तक आ चुकी, तो मोटा मोटा आई कैन से 45-50% से ऊपर के रिटर्न्स मिल चुके। बट क्या फंडामेंटल्स जस्टिफाइड है या फंडामेंटल्स इसके जस्टिफाइड नहीं है, मेरा मेन क्वेश्चन वो है, वो बताओ कि फंडामेंटल्स इसके कैसे हैं। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने फंडामेंटल्स पे और देखते हैं कि इसके फंडामेंटल्स में मुझे क्या क्या मिल रहा है इस टाइम। चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीई रेशियोज और इन सबसे। एक काम करते हैं, इसके फंडामेंटल से चलते हैं, देखते हैं कि इसके पीई रेशियोज और बाकी सब क्या चल रहा है। सबसे पहली बात, फेस वैल्यू 10 है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, ये देखना स्टॉक का पीई रेशियो चल रहा है 12.9 राउंड ऑफ टू 13, बट सेक्टर का पीई रेशियो है 32। मैं अगर इसको इससे कंपेयर करूं तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स कम है। यहां पर चल रहा है 32-33, यहां पर चल रहा है सिर्फ 13 के आसपास, ये भी क्लियर है। मार्केट कैप थोड़ी सी कम है, 2,5500 करोड़ के आसपास है, इतनी कम नहीं है। दो, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि यहां पर सबसे बेस्ट पार्ट फंडामेंटल्स में और क्या क्या मैं देखता हूं हमेशा कि फंडामेंटल्स में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि सिर्फ आपने एक रेशियोज देख लिया उससे जस्टिफाइड नहीं है। आगे देखते हैं कि फंडामेंटल्स में और क्या क्या देख सकते हैं। चलो सेक्टर होल्डिंग्स के बाद एक काम करते हैं, प्रमोटर होल्डिंग्स पर आ जाते हैं। चलो प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो डेफिनेटली मैक्सिमम प्रिस्क्राइब जो है वो प्रमोटर के पास ऑलरेडी है 75। सेबी का रूल ये बोलता है कि प्रमोटर एक कंपनी में मैक्सिमम 75% होल्डिंग कर सकते हैं, तो यहां पर ऑलरेडी 75 है। और सबसे बेस्ट पार्ट देखो, यहां पर कोई भी प्लेज नहीं है, नो प्लेज,
यहां पर एक भी शेयर प्लेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं कि और क्या है इनके पास। FIA की बात करें तो यहां पर FIA के पास ऑलमोस्ट निल ही परसेंटेज है, 0.57 के आसपास। DIA की बात करें तो DIA के पास एक अच्छा है 14%। अब देखना 14% 75 तो यही हो गया अपने आप में 89-90% के आसपास। पब्लिक के पास चलते हैं जरा, पब्लिक के पास अब बचा हुआ है 10% के आसपास। पब्लिक के पास जो 10% है उसमें से बाकी कोई एक मेजर सामने नाम नहीं आ रहा। DII में यहां पर HSBC, निपॉन और एक दो ये म्यूचुअल फंड के नाम डेफिनेटली सामने आ गए, ठीक है। अब यहां पर एक बेसिक रूल समझाता हूं, जितना मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगा शेयर उतना ऊपर नहीं जाएगा, जितना मार्केट में सप्लाई कम होगा, डिमांड है सप्लाई कम है, राइट, तो लोग बाय करने में इंटरेस्टेड है, जैसा कि इसमें है। सिर्फ पब्लिक के पास 10% ही फ्री फ्लोट है। और यहां पर इक्विटी बेस देखते हैं कि अगर इक्विटी बेस और कम निकला, यानी कि सिर्फ 10% है, वो भी छोटे से इक्विटी बेस का, कि इक्विटी बेस इतना था उसका भी 10%, तो यानी मार्केट में सप्लाई ही नहीं है। और यह एक बहुत बढ़िया शेयर है, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी MRF के शेयर में बताया था, ठीक है। अब आते हैं जरा इस काम करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे और बैलेंस शीट पे, कि स्टॉक तो भाग रहा है बट क्या कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स, प्रॉफिट, सेल्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब यहां से सेल्स से स्टार्ट करते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, परफेक्ट। यहां से स्टार्ट करते हैं सेल्स से, कि सेल्स क्या चल रही है। तो पहले कंपनी की सेल्स थी 915, जंप ओके होगा 1025, थोड़ा सा बढ़ी, थोड़ा सा और बढ़ा 1065, बट थोड़ा नहीं ऑलमोस्ट 25% के आसपास डिप आया, बट वापस से कंपनी ने रिकवर करा और ये आ गई 1131। अभी तक 5 क्वार्टर में अभी तक हाईएस्ट सेल्स कंपनी ने दिखाई है, ठीक है। एक काम करते हैं और इसके नीचे देखते हैं कि कंपनी के पास इंटरेस्ट, टैक्स, ये सब पे करने के बाद कितना बचता है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इस टाइम बात करूं प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये लो डायरेक्ट इस कॉलम पर आ गए हम लोग। पहले था 88, राउंड ऑफ टू 90, बढ़ के हो गया 91, 97 ड्रॉप हुआ, जिस टाइम सेल्स भी ड्रॉप हुई 64, बट वापस से पिकअप ले लिया 111 करोड़ के आसपास। ये इस क्वार्टर में डेफिनेटली दिख रहा है कि जिस रीजन से कंपनी डाउन गई थी उन्होंने वो वापस से पिकअप कर लिया, वापस से सेल्स को थोड़ा सा कांस्टेंट कर लिया, फेयरली एनफ। अब आते हैं इसकी बैलेंस शीट पर, कि कंपनी की बैलेंस शीट इस टाइम क्या चल रही है, कि बैलेंस शीट में आवलो बैलेंस शीट पर आते हैं। इक्विटी बेस 65 करोड़ के आसपास है, तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से समझना, 65 करोड़ रुपए इन्होंने मार्केट से उठाए और उस टाइम इनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज के आसपास। तो मैं ये बोल सकता हूं 6.5 करोड़ शेयर इशू करें, 6.5 करोड़ शेयर इशू करें 10 रुपए वाले, राइट, जिसमें से पब्लिक के पास सिर्फ 10% है, यानी कि मार्केट में इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं 66 लाख या 65 लाख शेयर ही है मार्केट में अवेलेबल, बाकी सब लिक्विडिटी ब्लॉक्ड है DIA की तरफ से या प्रमोटर की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिजर्व्स की बात पे। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो देखना 475 करोड़, 600, 750, 900, 1300, क्या बात है। दो साल में यहां से यहां तक, 3 साल की बात करूं तो 600 से 1300 का सफर मैसिव ग्रोथ डेफिनेटली दिखा रहा है। एक बार जल्दी से इसके डेट पर भी नजर मार ही लेते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट इस टाइम क्या चल रहा है। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म डेट इसलिए देखता हूं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट चार्ज होता है। हाँ बोलो, तो यहां पर देखो 173 डिप हुआ, 116 बहुत अच्छी बात, वापस बढ़ा 144, थोड़ा और बढ़ा पर वापस से कम हो गया। तो रिजर्व्स के कंपैरिजन में तो इंटरेस्ट, रिजर्व्स के कंपैरिजन में डेट बहुत ही कम है, फेयर एनफ है। अब आ जाते हैं जल्दी से इसके लेवल्स पे विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, आई नो बोर हो गए होंगे इतनी थ्योरी वगैरह सुनकर। तो यहां पर देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका जो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ये एक लेवल था जिसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, यहां जाकर इसने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी। ये देखो, यहां जाकर इसने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये एक अच्छा खासा हाइयर हाई हाइयर लो पैटर्न में चढ़ चुका है, अच्छा खासा हाइयर हाई हाइयर लो पैटर्न में चढ़ चुका है। तो मैं यहां क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले यहां पर एक ट्रेंडलाइन डालूंगा, तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो इस ट्रेंडलाइन के नीचे रहेगा। जैसे ही कोई भी, ये वीकली चार्ट है, तो जैसे ही कोई भी एक वीकली कैंडल इस ट्रेंडलाइन के नीचे क्लोज हो गई तो मैं यहां डेफिनेटली एग्जिट कर दूंगा। तो प्रोबेबली जो मेरा स्टॉप लॉस बनकर आएगा
वो लास्ट इस स्कैंडल के आसपास बनकर आएगा, समवट अराउंड 720 के आसपास, तो राउंड ऑफ में 700 के आसपास मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। अब आती है टारगेट की बात, क्योंकि यहां पर एक अच्छा खासा मैसिव ब्रेकआउट आया है विद द गुड मूवमेंट के बाद। अगर मैं इसका डेली चार्ट देखूं तो लेट्स गो विद डेली चार्ट। एक बार एक काम करते हैं, इसका डेली चार्ट देखते हैं पहले कि डेली चार्ट में एक अच्छा खासा जो हम लोग कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे, ये देखो जो हम लोग वीकली चार्ट से डेली में आए, तो ये जो खिचड़ी पक रही थी कंसोलिडेशन हो रहा था वो सबसे बेस्ट पार्ट लगा। उससे भी बेस्ट पार्ट अगर मैं चाहूं तो यहां से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ये देखो एक हाइयर हाई हाइयर लो फॉर्मेशन में जा चुका है। मेरा जो टारगेट यहां पर फर्स्ट टारगेट रखने वाला है वो रहेगा 1100 और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो यहां पर 1300 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली फेवरेबल नजर आ रहा है। इस टाइप के और टेक्नो फंडा एनालिसिस आने वाले हैं, जहां पर मैं प्योर ज्ञान भी दूंगा, नॉलेज भी दूंगा कि क्यों हम स्टॉक पिक कर रहे हैं, टेक्निकल भी देखेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे, डेप्थ में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव। Thank you.